दोस्तों रेल उलट 91 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो रेल उलट 91। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉप टेक करंट अफेयर से, क्या कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनके कैसे जवाब हैं, उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो आज का पहला सवाल है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत किस स्थान पर है, तो बताइए। तो राइट आंसर भी होगा 86 स्थान पर। इस पुष्टिकरण की बात करें तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट 86वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट को मोबिलिटी इंडेक्स में को 5.8 अंक मिले हैं। इनका मतलब है भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया भर के 5.8 देशों में बिना पूर्व वीजा पहुंच सकते हैं। इंडेक्स 199 पासपोर्ट 227 यात्रा कर शामिल है, जिसमें शुष्क राज्य क्षेत्र में शामिल 2018 में शीर्ष पर रहे जर्मनी को उठाते हुए 189 अंक के साथ जापान और सिंगापुर टॉप पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के नाम को बदलने के प्रस्ताव को केंद्र ने नकार दिया, तो बताइए। तो राइट आंसर सी होगा, पश्चिम बंगाल। इस स्पष्टीकरण की बात करें तो केंद्र ने पश्चिम बंगाल को बंगाल करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इस कदम को संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। 29 अगस्त 2016 को राज्य विधानसभा ने राज्य के नाम को अंग्रेजी में बंगाल, बंगाली में बंगाल और हिंदी में बंगाल बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विभिन्न भाषाओं में 3 अलग अलग नाम नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास ले लिया, तो बताइए। तो राइट आंसर ए होगा, अंबती राडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक 5,00,000 करोड़ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करनी होगी, तो बताइए। तो राइट आंसर बी होगा, 8%। इस स्पष्टीकरण की बात करें तो 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ भारत मिशन के तहत देश के कितने प्रतिशत लोगों को शौचालय तक पहुंच सुनिश्चित की गई, तो बताइए। तो राइट आंसर ये होगा, 93.1%। इस स्पष्टीकरण की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2019 में बताया गया है कि 93.1% परिवारों को शौचालय तक पहुँच हुई है। जिन लोगों की शौचालय तक पहुँच है उनमें से 96.6% ग्रामीण भारत में उनका उपयोग कर रहे हैं। 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 100% व्यक्तिगत घरेलू शौचालय IHHL की कवरेज की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019 की घोषणा के दौरान पवन ऊर्जा में भारत को अब कौन से स्थान पर बताया गया है, तो बताइए। तो राइट आंसर सी होगा, 4th स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा में न्यूनतम वेतन के बारे में नियमित अधिसूचनाओं के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत किस व्यवस्था को प्रस्ताव किया गया है, तो बताइए। तो राइट आंसर ए होगा, नेशनल लेवल डैशबोर्ड। इस स्पष्टीकरण की बात करें तो समीक्षा में न्यूनतम वेतन के बारे में नियमित अधिसूचनाओं के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल लेवल डैशबोर्ड को प्रस्ताव किया गया। समीक्षा प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करते हुए न्यूनतम वेतन प्रणाली को सरल और कार्यान्वयन योग्य बनाने को प्रस्ताव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि सभी प्रकार के सरकारी संवादों में अदर जेंडर या थर्ड जेंडर के स्थान पर ट्रांसजेंडर का शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो बताइए। तो राइट आंसर बी होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वीडियो का सवाल, इनमें से किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया, दोस्तों पिछले वीडियो में क्वेश्चन का जवाब करीब करीब दोस्तों ने ऑप्शन ए चुना है, यानी ANJHA चुना। अब हाल में इनके स्थान पर सुभाष चंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया। और अब आज का सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में किस भारतीय लेखक को लंदन स्थित नेहरू सेंटर का निर्देशन नियुक्त किया गया, अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज़ दोस्तों मेरा स्टडी चैनल को सपोर्ट करें और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। रेल 91।
यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।